वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सफल एजुकेशन। आज हम लोग पढ़ेंगे 11th फिजिक्स चैप्टर 30 है और इसके लगभग लास्ट में पहुंच रहे हैं। ग्राफ पढ़ना है, ग्राफ का निरूपण पढ़ना है कि कब कौन सा ग्राफ बनेगा। तो जो हम अभी ग्राफ पढ़ लेंगे वो ग्राफ होगा एक समान गति का, एक समान गति। तो हम यह देखेंगे यहाँ पर कि एक समान गति का ग्राफ कब कब हो सकता है। तो क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज की, पहले तो ये समझ लें। दूसरा ये कि पिछले वीडियोज देखने के लिए आपने नहीं भी देखा है जो भी है समस्या, तो इतना सब कोई जानता है, बार बार बताना ना पड़े। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब इसीलिए कर लें ताकि आपको वीडियो तुरंत मिलता रहे, आपको चीज़ें तुरंत मिल जाएँ। एक समान गति का ये जो ग्राफ है ये हमारे पास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम यहाँ पर ये देखेंगे ग्राफ तो हमारे पास कई प्रकार के होते हैं। एक होता है ए वर्सेस टी ग्राफ, एक होता है हमारे पास बी वर्सेस टी ग्राफ, एक होता है हमारे पास एक्स वर्सेस टी ग्राफ। तो ग्राफ तो हमारे पास तीन है और तीनों ग्राफों में हम देखेंगे एक समान गति। ठीक, तो ये अच्छा क्लियर करें कि अगर गति है ना, कोई गाड़ी बिल्कुल समान चाल से चल रही है तो क्या त्वरण मिलेगा? त्वरण नहीं मिलेगा। हमने बताया था त्वरण कब मिलता है, जब चालें अलग अलग हों। अगर वेग परिवर्तन है, क्या हो रहा, वेग में परिवर्तन, तो त्वरण मिलेगा। यानी त्वरण चाहने के लिए आपको वेग में क्या करना पड़ेगा, परिवर्तन, यानी वेग अलग अलग होने चाहिए। अगर आपका त्वरण, आपने क्या कह दिया, जीरो है, मतलब त्वरण है ही नहीं। अगर त्वरण नहीं है तो हम ये कह सकते हैं वेग क्या है, नियत है। भाई अगर वेग में परिवर्तन हो रहा है तो त्वरण मिलेगा, अगर त्वरण नहीं मिल रहा है, कहने मतलब त्वरण जीरो है, तो वेग क्या होगा, नियत। अब तो हमारे पास है क्या, त्वरण वर्सेस समय ग्राफ। तो त्वरण को क्या कर दें, जीरो। त्वरण को कितना कर दो, जीरो। ये टी है, ये ए है, हमें यहाँ पर एक समान गति का ग्राफ देखना है, गति एक समान होनी चाहिए। तो हम क्या कहेंगे, त्वरण को क्या कर दो, जीरो। यहाँ पर त्वरण क्या है, देखें इस वाली लाइन में त्वरण क्या होगा, यहाँ जीरो। त्वरण क्या है, जीरो। क्लियर, त्वरण यहाँ क्या रहेगा, जीरो। हाँ, समझ में बात आ रही है। हम एक समान गति हमको अगर चाहिए, इसका ग्राफ प्लॉट करना है, तो अगर वेग में परिवर्तन हो रहा है, वेग में परिवर्तन हो रहा है तो त्वरण मिलेगा। वेग में अगर परिवर्तन हो रहा है तो त्वरण मिलेगा, अगर त्वरण नहीं मिला, अगर त्वरण जीरो है, तो इसका मतलब नियत वेग है, वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा। तो नियत वेग का ही तो ग्राफ हमको बनाना है, इसका मतलब त्वरण क्या करते हैं, जीरो। कर दो त्वरण जीरो, ए वर्सेस टी ग्राफ में त्वरण को क्या कर दो, जीरो, बन गया ग्राफ। आते हैं हम लोग बी वर्सेस टी ग्राफ में, आते हैं हम लोग बी वर्सेस टी ग्राफ में। तो बी वर्सेस टी ग्राफ में आप ये देखें, ये तो बहुत आसान हो गया, वेग को क्या करना है, गति को क्या करना, एक समान। यानी कि अगर शुरुआत में गति 10 मीटर प्रति सेकेंड है तो हमेशा कितनी रहे, 10 मीटर प्रति सेकेंड। अगर 10 यहाँ है, कहने का मतलब समय बढ़ता चला जाए लेकिन वेग ना बढ़े, वेग ऊपर की ओर ना जाए, समय बढ़ता जाए लेकिन गति कितनी है, 10 की 10 ही है। यहाँ पर यहाँ 10 है, यहाँ भी 10 होगी, यहाँ भी 10, समय बढ़ता चला जाएगा, गति नहीं बढ़ रही। तो गति कैसी है, एक समान। भाई तुम 40 की स्पीड से चल रहे हो, एक घंटा हो गया, दो घंटे हो गए, चार घंटे, तुम हो 40 की स्पीड पर ही, तो गति कैसी है, एक समान। तो हम भी तो कह रहे हैं अगर 10 मीटर पर सेकंड से चल रहे हो तो गति तो 10 ही मीटर है हर जगह। क्लियर बात है, यानी समय बढ़ रहा है लेकिन चाल देखिए, अगर चाल बढ़ती तो ऊपर की ओर बढ़ती, चाल बढ़ेगी तो ऊपर की ओर अगर ग्राफ करें तो चाल बढ़ी, यहाँ चाल कैसी है, एक समान। ठीक है, ये भी गति कैसी है, नियम। यहाँ भी गति कैसी है, नियम।
अब अगला हमारे पास ग्राफ क्या होगा, एक्स वर्सेस टी ग्राफ। एक्स वर्सेस टी ग्राफ में हमको क्या चाहिए, गति कैसी चाहिए, एक समान। गति कैसी चाहिए, एक समान। कहने का मतलब समान ये दूरी है भाई, एक्स वर्सेस टी में ये दूरी है, ये समय है। और वेग के विषय में जानते हैं वी बराबर क्या होता है, एक्स अपान टी होता है। इसका मतलब क्या, अगर वेग तुमको नियत चाहिए तो एक्स भी बढ़े तो टी भी बढ़े, एक्स घटे तो टी भी घटे भाई। दूरी वर्सेस यही तो होता है, वेग बराबर दूरी बटे समय। यानी कि अगर एक्स बढ़े तो टी भी बढ़े, या हम ये कह लें कि वेग क्या रहे, नियत रहे। यानी कि दोनों का अनुपात क्या रहे, नियत रहे। मान लो पहले यहाँ था पर, फिर यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ पहुँचा। देखो समय बढ़ रहा है, बढ़ रहा है समय, तो चाल भी बढ़ रही है। देखो समझ में बात आ रही। यानी कि लाइन अगर ऐसी बनेगी है ना, इसमें क्या है, देखिए दूरी बढ़ रही है भाई, एक्स वर्सेस टी ग्राफ है इस बार। दूरी बढ़ रही है, समय भी बढ़ रहा है, और अगर दूरी भी बढ़े समय भी बढ़े तो बी क्या रहेगा, नियत। ये क्या है, नियत वेग है, नियत वेग है ना। तो तीनों ग्राफ बन गए किस चीज के, ये है नियत वेग के ग्राफ। बात समझ में आ रही है। यहाँ पर एक ग्राफ और समझ रहे, क्या बताएं, त्वरण इसमें निगेटिव कर सकते हैं नहीं, त्वरण को जीरो ही करना पड़ेगा अगर गति एक समान है। लेकिन हम गति को क्या कर सकते हैं, निगेटिव भाई, ये मूल बिंदु है समझ में, ये v है, ये माइनस का v होगा है ना, ये t है। हम यहाँ करते हैं कि माइनस का 15 मीटर प्रति सेकंड से चल रही है भाई, तब भी तो गति एक समान होगी, गति नियत नहीं समझे, ये मूल बिंदु है। 10 मीटर से चल रही है तब भी तो गति नियत। हम कह दें गाड़ी आगे की ओर ना जाके माइनस के 15 से बैक गियर में जा रही है, तब भी तो गति नियत है तो वी वर्सेस टी ग्राफ ही, केवल ये माइनस भी क्या बता रहा है, ये बैक की ओर जा रही है। बात समझ में आ रही, तो एक ये ग्राफ हो जाएगा है ना। तो ये हम जो जानते हैं कि ये ऐसे समझ लें, ये एक्स वर्सेस टी ग्राफ में जो थीटा होता है वही तो देख देता है, तो हर जगह थीटा का मान क्या है, बराबर यहाँ पर थीटा 1 बराबर थीटा 2 बराबर थीटा 3 है, तो कहने का मतलब टेन थीटा कभी क्या है, इक्वल है इक्वल, सभी टेन थीटा है तो हमेशा क्या मिलेगा, नियत है ना। अगर हम इसी में एक और समझे, इसी में एक और समझें, तो ये एक्स वर्सेस टी ग्राफ है ठीक, तो हमने ऐसा बनाया ग्राफ, अभी हमने मूल बिंदु से शुरू किया था, अब हमने एक्स नॉट से शुरू कर दिया और टी पर आ गया है ना। बात समझ रहे हैं, तो प्रभाव कुछ नहीं है। यहाँ पर देखिए ये टेन थीटा, थीटा है थीटा वन, ये भी तो थीटा वन टू होगा है क्या, थीटा वन बराबर थीटा टू भाई, वैल्यू तो इक्वल रहेगी। यानी कि टेन थीटा वन बराबर टेन थीटा टू भाई, एक्स वर्सेस टी ग्राफ में एक्स अपॉन टी ही तो बी देगा, तो हर जगह वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी है ना। चाहे यहाँ पर देखो, चाहे यहाँ पर देखो, चाहे यहाँ पर देखो, बस है क्या इसमें वेग कैसा है, नियत तो है लेकिन ऋणात्मक, वेग कैसा है, नियत तो है लेकिन ऋणात्मक। यहाँ पर वेग कैसा है, नियत तो है लेकिन धनात्मक, यही तो हुआ और कुछ नहीं है ना। ये तो समझ चुके हैं पहले, चलो रख करें। अब क्या है, एक समान त्वरण, यानी त्वरण कैसा होना चाहिए, एक समान है ना। अगर त्वरण एक समान है तो देखिए कुछ चीज़ें तो आपको आसानी से मिल जाएंगी, ये ए है
पहला ग्राफ ए वर्सेस टी, त्वरण को क्या करना है, एक समान। मान लीजिए त्वरण किसी क्षण 15 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर था, तो 15 ही रहे, समय बढ़ रहा है, त्वरण वहीं का वहीं है। देखिए समय बढ़ रहा है, लेकिन क्या त्वरण ऊपर की ओर गया? बिल्कुल नहीं भाई, समय बढ़ा, त्वरण क्या ऊपर की ओर गया? नहीं, त्वरण इस मात्र 15 था, 15 ही है, तो ये कैसा ग्राफ होगा? एक समान त्वरण यानी नियत त्वरण। भाई जैसे नियत वेग बनाया था, वेग वर्सेस समय ग्राफ में है, तो ऐसा ही तो था, यहाँ पर नियत त्वरण है, तो त्वरण की बात कर रही है। अब अगर हम कहें वी वर्सेस टी ग्राफ, वी वर्सेस टी ग्राफ, तो ये बता नियत त्वरण कब मिलेगा? त्वरण क्या होता है? त्वरण ए बराबर बी अपॉन टी, यानी कि ये त्वरण नियत कब मिलेगा? अगर v बढ़े तो t भी बढ़े, v घटे तो t भी घटे। या हम कह रहे हैं क्या tan थीटा लंबटे आधा, त्वरण निकालने के लिए चीज़ें जान चुके हैं पहले, तो यहाँ से क्या होगा, लाइन कुछ लूंगा होगी है? ये प्रारंभिक चाल कितनी है? जीरो। अंतिम चाल भी, ये समय देखिए यहाँ पर देखो, एक दो तीन देख लो, पाँच दस पंद्रह, बात तो वही है, हर बार पाँच है, पाँच मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पाँच दस बटे दो करोगे पाँच मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 15 बटे तीन करोगे पाँच मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसमें त्वरण क्या है? नियत, नियत त्वरण, त्वरण क्या है? नियत। क्लियर, एक और जान लेते हैं, एक्स वर्सेस टी ग्राफ। अब ये वाला देखते हैं, ये बताएं त्वरण कब मिलता है? त्वरण कब मिलता है बताएं? त्वरण, त्वरण कब मिलेगा? जब वेग में क्या होगा? परिवर्तन। यानी वेग क्या होने चाहिए? अलग अलग। परिवर्तन का मतलब क्या? अलग अलग। वेग क्या होने चाहिए? अलग अलग, ठीक है। इसमें अगर हम सीधी लाइन बना दें तो नियत वेग है भाई, अगर हम सीधी लाइन बना दें तो टेन थीटा लगभग बराबर, यानी वेग क्या होने चाहिए? अलग अलग, ठीक है, तभी त्वरण मिलेगा। तो एक्स वर्सेस टी ग्राफ में जो टेन थीटा है, बताएं भाई, एक्स अपॉन टी तो टेन थीटा है, तो टेन थीटा क्या होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए भाई, यही तो बी है, बी अलग अलग होना चाहिए, यानी कि एक्स अपॉन टी अलग अलग होना चाहिए, बी ही क्या कहलाएगा? टेन थीटा, इसका तो टेन थीटा अलग अलग होना चाहिए, यानी थीटा का मान हर जगह क्या ना हो? बराबर। अगर थीटा का मान बराबर ना हो तो क्या सीधी रेखा हो सकती है? सीधी रेखा में तो टेन थीटा हमेशा बराबर होगा, देखो तो क्या होगा? कर्व। ये हमने तुमको क्या बताया था, समझना, ये ग्राफ किस किस का है? ये ग्राफ असमान गति का है, बताया था, क्या था बताया? जब गति असमान है तो त्वरण इसमें क्या है? नियत, नियत त्वरण का, गति असमान है लेकिन त्वरण क्या है? नियत भाई, टेन थीटा, यहाँ थीटा कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा, तो ऐसे लाइन ड्रॉप करोगे भाई, यहाँ पे ऐसे होगी, यहाँ पर स्पर्शी ऐसे होगी, यहाँ पर स्पर्शी ऐसे होगी, हर जगह अलग अलग है, इसमें देखें तो गति अलग अलग है, तो क्या है? अलग अलग गति, जब अलग अलग होगी तभी तो त्वरण नियत होगा, तभी तो त्वरण मिलेगा, तो त्वरण क्या है? एक समान है ना। यहाँ पर भी प्रारंभिक वेग u कितना है? जीरो, समझ लेना u क्या है? जीरो। यहाँ पर भी u क्या है? जीरो, प्रारंभिक वेग जीरो है, शुरू कर दिया मूल बिंदु, यहाँ पर मूल बिंदु शुरू ना करके कास्ट कर दिया यू से, प्रारंभिक चाल यू
प्रारंभिक, प्रारंभिक वेग यू है, अंतिम वेग भी, ठीक है। प्रारंभिक अभी तक जितने केस किए प्रारंभिक वेग जीरो है, उसे प्रारंभिक वेग जीरो नहीं किया, क्लियर। तो अब जैसे एक्स वर्सेस टी है ना, तो यहाँ पर भी हम वही बात कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, जैसे यहाँ पर भी प्रारंभिक वेग क्या था, जीरो। हम यहाँ पर प्रारंभिक वेग जीरो ना करके कितना कर दें, प्रारंभिक दूरी, सॉरी यहाँ पर ये कहाँ से नहीं चला था, जीरो से ना चलके कहाँ से चला, एक्स नॉट से चलना शुरू किया, ठीक है। यहाँ कहाँ से चलना शुरू किया, एक्स नॉट से, एक अंतिम दूरी एक्स है, यहाँ पर एक्स नॉट से चलना शुरू किया। तो मुझे लगता है कुछ चीज़ें समझ में तो क्लियर हुई होंगी, करना क्या है, आपसे ग्राफ पूछेगा, ग्राफ पर ध्यान देना है। आपसे कहा वी वर्सेस टी ग्राफ में त्वरण को क्या कीजिए, एक समान, त्वरण एक समान का मतलब ये है ए बराबर बी अपान टी, बी बी बढ़े तो टी बी बढ़े, बी घटे तो टी बी घटे, या बी अपान टी को क्या कह लो, लंब बटे आधार, यानी कि टेन थीटा, यानी थीटा क्या हो, नियत हो, तो एक लाइन बनाओ थीटा हर बार नियत हो गया। और भाई लाइन बनाओगे बी बी बढ़ रहा है, टी बी बढ़ रहा है, देखो इसमें बी बी बढ़ रहा है, टी बी बढ़ रहा है, V ऊपर की ओर बढ़ रहा है, T इधर बढ़ रहा है, बन गया है ना। कोई भी ग्राफ होंगे सारे प्लॉट हो जाएंगे। हम लोगों के पास आज ये चक्की थोड़ा साउंड कर रही है, तो इसलिए एक और टॉपिक देख लेते हैं, है ना, फिर बाद में कर लेंगे। तो हमारे पास जो पढ़ने की चीज़ें हैं वो ये है, गुरुत्व के अधीन ऊर्ध्वाधर गति। ऊर्ध्वाधर का मतलब है लंबवत, ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या है, लंबवत। कहने का मतलब ये, कोई टुकड़ा हम लिए हैं यहाँ पर और यहाँ से हमने उसको जमीन पर छोड़ दिया, ठीक है, जमीन पर क्या किया, छोड़ दिया, ये है ना ऊपर है, ठीक। यहाँ पर जब ये कोई टुकड़ा है, ये क्या है, कोई टुकड़ा है, इस टुकड़े को हमने क्या किया, जमीन पर छोड़ दिया। तो टुकड़ा कहाँ गिरेगा जाके, जमीन पर। टुकड़ा कोशिश कहाँ करता, कोई भी चीज़ अगर हम फेंकें ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, यानी छत पे खड़े होकर फेंकें, तो टुकड़ा कहाँ जाने की कोशिश करता है, वो टुकड़ा हमेशा पृथ्वी के केंद्र पर जाने की कोशिश करता है। क्योंकि केंद्र पर क्यों जाता है, क्योंकि पृथ्वी में क्या, गुरुत्वाकर्षण पर, तो पृथ्वी कहाँ लेगी, उसे अपने केंद्र में ऑब्जर्व करने की कोशिश करेगी कि वो केंद्र में पहुँचे, लेकिन दूरी बहुत कम होती है, तब तक वो वहीं गिर जाता है। तो एक चीज़ तो क्लियर है, पृथ्वी में क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण, यानी कि जी का मान नीचे की ओर होता है। पृथ्वी का ये जी क्या है, ये जी क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण, और इसका मान हमेशा कहाँ होगा, जमीन पृथ्वी की ओर। और ऊपर से टुकड़ा गिर रहा है, ऊपर से टुकड़ा गिर रहा है, टुकड़ा किधर गिरेगा, ऐसे, यानी कि टुकड़ा की दिशा और गुरुत्वीय त्वरण की दिशा समान है, तो इसका अंतर भी कैसा लिया जाएगा, इस बार धनात्मक, इसकी दिशा और इसकी दिशा समान है तो धनात्मक हो गया, ठीक है। पहली चीज, जब ये यहाँ पर गिरेगा तो एक चीज़ तो क्लियर है, कुल ये कितनी दूरी, देखिए यहाँ पर ये किसका काम करेगा, एच का, ऊंचाई का, किसका काम करेगा, ऊंचाई का। तो एक हम जो ग्राफ जानते हैं, विस्थापन बराबर क्या होता है समीकरण में, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो बस ये सब कुछ यही बन जाना है। x क्या है, विस्थापन, यहाँ पर h क्या है, दूरी, वही बात हो गई। h, h ये वाली एक्सिस किसे दिखाती है, ये वाली एक्सिस x को, ये वाली एक्सिस y को, भाई ये जो अक्ष है क्या दिखाता है, x अक्ष, ये वाला y अक्ष, h को ही क्या कह सकते हो, y बराबर ut प्लस हाफ
ए क्या है त्वरण, यहाँ पर जी क्या है त्वरण, जी कैसा है धनात्मक, तो हाफ जी टी स्क्वायर। जब कोई टुकड़ा पृथ्वी की ऊंचाई से पृथ्वी की ओर छोड़ा जाता है तो गति के द्वितीय समीकरण से है ना, ये इस वाले से इसकी तुलना कर ले तो ये बन जाएगा। क्लियर। जब टुकड़ा यहाँ पर था तो बताए प्रारंभिक वेग, अगर हम ऐसे कहें प्रारंभिक वेग अगर जीरो है ठीक है, लेकिन हमने मान लिया एक बार कि पहले तो एक ये हो गया, अब ये मान चीज़ें थोड़ी कर दें तो ज़्यादा क्लियर रहेगा है ना, ये हम कर ही चुके हैं। एक और हम समीकरण जानते हैं, वी स्क्वायर बराबर क्या होता है, यू स्क्वायर प्लस टू ए एक्स होता है। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, वी मतलब अंतिम वेग, तो वी स्क्वायर बराबर क्या यू स्क्वायर प्लस टू जी हो जाएगा, ए की जगह जी भाई, ए भी तोड़ जी भी तोड़ और एक्स की जगह एच या वाई, एच या वाई, तो एक ये समीकरण बन जाएगा। क्लियर। अब हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, एक हम जानते हैं बी बराबर क्या होता है यू प्लस ए टी, यू प्लस ए टी, एक तो हमारे पास ये बन जाएगा बी बराबर यू प्लस जी टी, ए की जगह जी है ना, है तो सब वही, केवल टुकड़े को ऐसा ना फेंक के ऐसा फेंका गया, ऐसे ऊपर से नीचे की ओर ठीक, ऐसे ना फेंक के ऊपर से नीचे की ओर फेंका गया, चीज़ें तो वही लगेंगे, केवल एक इसमें बदल गया जी में, क्योंकि टुकड़ा भी नीचे गिर रहा है, गुरुत्वीय त्वरण भी नीचे है तो जी पॉजिटिव, अगर हम टुकड़े को ऊपर फेंकें तो ये जी निगेटिव, क्योंकि टुकड़ा ऊपर जा रहा है गुरुत्वीय त्वरण नीचे आ रहा है तो जी निगेटिव, तब अभी वो अंक केस कर लेंगे। क्लियर है ना। ये बहुत अच्छा रहता है टॉपिक, इसमें ये समझिए ये बहुत ही अच्छा टॉपिक रहता है ना। तो ग्राफ के हम लोग बाद में बात कर लेंगे, हम यहाँ पर एक और चीज समझते हैं, मान लीजिए प्रारंभिक चाल यू कितनी है जीरो, प्रारंभिक चाल कितनी है, यानी जब समय टी बराबर जीरो पर चाल वेग कितना है यू, टी बराबर जीरो पर वेग क्या है यू, जब ये यहाँ से चलना शुरू किया तो टी बराबर पर कितना है यू, यहाँ मान लीजिए टुकड़ा आपका है ठीक है, टी बराबर टी पर वेग क्या हो गया वी। क्लियर है ना। इस पूरी ऊंचाई कितनी है कैपिटल एच, पूरी ऊंचाई कितनी है कैपिटल एच, और इतने को हमने मान लिया क्या ये ऊंचाई क्या है वाई, तो बताओ इतनी कितनी हो जाएगी एच माइनस वाई। बात समझे, अगर जब टुकड़ा छोड़ा भी नहीं होगा तो समय कितना जीरो है ना, जब टुकड़ा छोड़ा भी नहीं तो समय कितना जीरो, टुकड़ा जैसे ही छोड़ा समय जीरो है, लेकिन प्रारंभिक चाल कितनी है यू, प्रारंभिक चाल कितनी है यू, जब टुकड़ा टी बराबर टी पर हमने दो तीन चार सेकंड बाद आजमाया कि टी बराबर टी पर वेग कितना हो गया वी, क्योंकि चाल बढ़ेगी कहीं ऊपर टुकड़ा छोड़ो नीचे जाते जाते चाल बढ़ जाती है, तो अंतिम वेग कितना है वी, तब तक ये कितनी दूरी चल चुका है वाई, कितनी दूरी चल चुका है वाई है ना, तो ये कितनी बची एच माइनस वाई। क्लियर। ये कितनी बची एच माइनस वाई। तो देखिए हम लोग यहाँ पर कुछ ये सीखेंगे कि अगर हम यहाँ पर ये कहें एक्स बराबर क्या होता है यू टी प्लस हाफ वाई, यही तो होता है एक्स बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहाँ पर x का मान इस बार कितना है ना y, भाई अगर t बराबर जीरो पर देखो और t बराबर t पर, जब t बराबर t आया तो वेग कितना हो गया v, दूरी कितनी चल ली y, तो y बराबर
यू टी प्लस आर जी टी स्क्वायर। क्लियर। अगर हम यहाँ पर ये कहें कि ये प्रारंभिक व्यय कहाँ से शुरू करेगा, वी से, तो अब जब चाल कितनी अंतिम चाल इस वाले समीकरण इतनी चाल के लिए तो इतनी चाल h माइनस वाई हो जाएगी बराबर वी टी वाई। अभी यू से शुरू कर रहा है, वी से शुरू करेगा जब यहाँ से गिरेगा, सिंपल सी बात है, यहाँ से गिरा तो यू से गिरा, जब यहाँ से गिरेगा तो वी से गिरेगा, तो वी टी प्लस हाफ जी। क्लियर। तो अगर हम ऐसा कहें, अगर हम ऐसा कहें इसमें जैसे हम अगर ये कहें चीज़ों को समझने के लिए, तो हम पहले इस पर थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, है ना। ये तो चलिए समझने के लिए है, हम अभी बता दें। जैसे हम ये मान लें कि प्रारंभिक वेग u बराबर जीरो है, यानी टुकड़ा आपने छोड़ा नहीं, तब u कितना होगा, जीरो। हम पहले इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो v बराबर बताएं क्या होता है, u प्लस जी टी, तो v बराबर क्या हो जाएगा, जी टी। क्लियर बात हुई। हम अगर ये कहें अभी टुकड़ा छोड़ा नहीं है तो v बराबर जी टी हो जाएगा। y बराबर की बात करें, y बराबर क्या होता है, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अगर आपने टुकड़ा अभी छोड़ा नहीं है तो ये जीरो, तो y बराबर क्या हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर। हाँ, इसी इन्हीं चीज़ों को आ रहे थे। अगर हम कहें v स्क्वायर बराबर क्या होता है, यू स्क्वायर प्लस टू जी वाई। ठीक, इतना निकाला। अगर यहाँ पर अभी टुकड़ा छोड़ा नहीं है तो ये जीरो हो गया, तो वी स्क्वायर बराबर टू जी वाई, यानी प्रारंभिक वेग अगर जीरो है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर एक हम एक और चीज़ है, अगर हम इसका ग्राफ समझें, जी वर्सेस टी ग्राफ, वी वर्सेस टी ग्राफ, तो बताएं क्या पृथ्वी का त्वरण बदलेगा जब टुकड़ा गिर रहा होगा। सिंपल सी बात सोचे तो क्या त्वरण बदलेगा, नहीं, पृथ्वी का त्वरण नहीं बदलेगा। गुरुत्वीय त्वरण का ग्राफ क्या होगा, यही रहेगा। ठीक है, ये थीटा होगा, यही क्या होगा, जी, क्योंकि पृथ्वी का त्वरण नहीं बदलेगा। ठीक है, पृथ्वी का त्वरण, ताऊ की चाल बढ़ेगी, चाल बढ़ेगी तो समय भी तो बढ़ेगा भाई, चाल बढ़ेगी तो समय भी तो बढ़ेगा, त्वरण तो वही रहेगा। कहो कि प्रति जब ऊपर से टुकड़ा छोड़ोगे तो चाल बढ़ेगी, अरे भाई चाल बढ़ेगी तो समय भी तो बढ़ेगा, तो बी अपॉन टी ही क्या देगा, जी, है ना। बात तो समझ में आई होगी। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं एक दो चीज़ें जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम अगर ये कहें है ना, एक बात हम समझ गए इधर, यदि प्रारंभिक वेग u बराबर जीरो हो तब पृथ्वी तक पहुंचने में समय
बताएं कितना समय लगेगा। अभी हम लोग एक चीज जान चुके हैं, y बराबर क्या निकाला हम लोगों ने, ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये जीरो, तो y बराबर हाफ जी टी स्क्वायर, क्लियर। तो इसे देखो कितना लिख लोगे, 2y हो गया अपान g बराबर t स्क्वायर हो गया भाई, ये बात क्लियर हुई भाई। टी स्क्वायर यहीं बनाए रखा, दो से गुणा किया, जी से भाग दे दिया, 2y अपान g। यहाँ से t बराबर की बात करो तो अंडर रूट कितना, 2y अपान g, कितना 2y अपान g। और यहाँ पर ये y ही क्या है, क्लियर। अगर हम पृथ्वी तक आ रहे हैं तो y क्या है, h है, हमने क्या लिखा पृथ्वी तक पहुँच गए, यहाँ से पृथ्वी तक कितना है h, तो y ही क्या होगा h। तो हम अगर यहाँ पर ये लिख लें, समझिए 2h अपान g बराबर t स्क्वायर, तो यहाँ से t बराबर क्या, अंडर रूट 2h अपान g। ये फार्मूला कि किसी टुकड़े को पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है, ऊंचाई निकाल लो, उसका दोगुना करो, गुरुत्वीय त्वरण से भाग दे दो, अंडर रूट ले लो। बहुत आसान होता है अगर चीज़ों को काइनेमेटिक्स को बहुत अच्छे से समझा जाए। तो क्या है कि कोई टुकड़ा तुमने छत से फेंका, नीचे तक जाने में कितना समय लगेगा, वो समय निकालने के लिए छत से लेकर पृथ्वी तक की ऊंचाई निकाल लो, ऊंचाई का दुगना कर दो, गुरुत्वीय त्वरण से भाग दे दो और अंडर रूट ले लो, समय आ जाएगा। क्लियर बात हुई। तो एक ये फार्मूला होता है पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगेगा। एक अगला होता है यदि प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग क्या हो, जीरो हो, तो जब पृथ्वी को टुकड़ा छू रहा होगा, भाई पृथ्वी पर टुकड़ा गिर जाएगा उसके बाद तो चाल कितनी, जीरो। जब पृथ्वी पर गिर जाएगा टुकड़ा तो जीरो, लेकिन जब गिर रहा होगा, जब पृथ्वी को छू रहा होगा, उस समय चाल कितनी थी, ठीक है। तो पृथ्वी को छूते समय चाल या वेग, क्लियर। तो हम लोग क्या जानते हैं, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू जी वाई, वाई ही क्या है यार, भाई पृथ्वी को जब छू रहा होगा तो ऊपर से गिरेगा पृथ्वी तक आएगा, तो वी स्क्वायर बराबर क्या, ये जीरो हो गया, टू जी एच, वी बराबर निकालोगे अंडर रूट टू जी एच, यानी कि जब पृथ्वी को टुकड़ा छू रहा होगा, तुमने ऐसे फेंका, पृथ्वी को जब टुकड़ा छू रहा होगा तो चाल कितनी होगी, अंडर रूट टू जी एच, गुरुत्वीय त्वरण का दोगुना करो, ऊंचाई से गुणा कर दो और अंडर रूट ले लो, तो अंतिम चाल पता चल जाएगी। हालांकि अंतिम चाल तो जीरो होगी, जब पृथ्वी को छू जाएगा तब चाल जीरो होगी, हमने कहा छूते समय, जब छू रहा होगा यानी छूने से जस्ट एक मूवमेंट पहले कितनी चाल होगी, टू जी एच, क्लियर। तो आज ऐसा है कि चक्की भी चल रही है, तो आज के लिए क्लास को इतना ही रखते हैं, है ना। बस इसमें एक टॉपिक और हमारे पास, वही एक क्लास के लिए और बचा है, बाकी सब खत्म है, और इसके न्यूमेरिकल्स करने में बहुत मजा आएगा, तो चैप्टर को बहुत अच्छे से क्लियर कर लें, दोबारा वीडियो देख लें जिन लोगों ने नहीं देखे हैं, है ना, वो दोबारा देख लें, जिन्होंने देखे हैं वो तीन बार देख लें, जब इसके न्यूमेरिकल्स होंगे तो चक्का जाम होगा, तो चक्का जाम ना हो, है ना, क्योंकि काफ़ी कुछ इसमें कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती हैं काइनेमेटिक्स में, अगर दिमाग लगाएं तो बहुत अच्छा है। और आज के लिए क्लास यहीं रखते हैं, थैंक यू। साउंड है बहुत ज़्यादा है ना।